बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। दारिया अरकम स्कूल, ग्रेड टू, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर 7, टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस, डेट 7 दिसंबर 2020, डे मंडे। ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर 41। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डेट, डे, टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, आज हम लोगों ने क्या टॉपिक करना है? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, वी कैन यूज़ द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट थिंग वी डिड इन द पास्ट। रेगुलर वर्ब एंड ऑन ई डी, प्ले, प्लेड, यानी कि वो कह रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग जब पता, यानी कि एक सेंटेंस लिखा हो और हमें समझ ना आ रही हो कौन सा सेंटेंस हो जिसमें फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, वो क्या होता है? सिंपल पास्ट, यानी कि उनके साथ वर्ड के साथ क्या लगा होता है? ई डी लगा होता है। वर्ब के साथ क्या लगा होता है? ई डी, यानी कि प्ले है तो प्ले के साथ क्या लगा होगा? प्लेड। वॉच है तो क्या लगा होगा? वॉच्ड। वॉन्ट, वॉन्टिड। इररेगुलर वर्ब्स हैव अ स्पेशल फॉर्म, ईट, एट। ठीक है, जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करते हैं, यानी कि हम सिंपल टेंस पास्ट टेंस बनाते हैं, तो क्या सबसे पहला चीज़ क्या होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, वी, दे, यू, कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी हो, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं हम लोग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, किस जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ओके, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर द नेगेटिव, डू नॉट चेंज द मेन वर्ब यूज, डिड नॉट, इंस्टेड। ठीक है, अब हम लोग जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट हम लोग ही लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो हम लोग क्या लगा रहे थे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने क्या लगाया था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग? फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? डिड नॉट। क्या लगाना है बेटा हम लोगों ने? डिड नॉट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, फॉर द इंट्रोगेटिव यूज डिड इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है ना कि डिड जो होता है वो हम लोग कहाँ ले आते हैं? स्टार्ट में ले आते हैं। सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पे आ जाता है और सब्जेक्ट को जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या हो जाता है? उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? स्मॉल, यानी कि ही जो है, ही क्या हो जाएगा? स्मॉल। कैपिटल होता है एच उसका, तो ही एच क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ओके, अब आप लोग, अब हम लोगों ने करना है पेज नंबर 42। ओपन योर 42 पेज, मेंशन योर डेट, डे, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों ने क्या लगाना है? सिंपल पास्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है तो आप लोगों ने इसको फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। किस में चेंज करना है आपने बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ मेक है तो मेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? मेड। से है तो क्या होगा? सेड। कैच है तो क्या होगा? काउच। डू है तो क्या होगा बेटा? डिड। टेक है तो टुक। सेल है तो सोल्ड, यानी कि हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग लगा रहे हैं। ओके, राइट है तो रोट, प्ले है तो प्लेट, राइट, रोट, गेट, गोट, लॉफ, लॉफ्ट, लीव, लेफ्ट। ओके, ये आप लोगों ने पूरा पेज करना है। इसमें आप लोगों ने क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए हम लोग क्या, कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आगे वर्ब पेज नंबर 43 खोलें और सबसे पहले आप लोग मेंशन डेट डे कर लें। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम लोग को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है कि प्ले है तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लेड। आपको पता है ना सिंपल सॉरी पास्ट टेंस में हम लोग कौन सी वर्ब फॉर्म लगी होती है? थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म में क्या लगा होता है? ई डी लगाते हैं। अब प्ले है तो क्या लगाएगा? प्लेड। वॉक है तो क्या लगाएंगे? वॉक्ड। यानी कि हर सेंटेंस के साथ आप लोगों ने क्या ऐड करना है? ई डी ऐड करना है। ओके बेटा, आगे है गिव शॉर्ट आंसर टू द क्वेश्चंस। डिड यू क्लोज द डोर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी आंसर को यस में, किसी क्वेश्चन को यस में आंसर करते हैं। ओके, और नेगेटिव का मतलब होता है किसी आंसर को नो में आंसर करना। ठीक है, किसी क्वेश्चन को या नो में आंसर करना। जैसे कि यहाँ पे है डिड यू क्लोज द डोर, तो आप लोग पॉजिटिव जब बनाएंगे तो आप बोलेंगे यस
आई क्लोज द डोर, क्या बोलेंगे? येस आई क्लोज द डोर. लेकिन जब हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे इसका, यानी कि नो में जब क्वेश्चन में किसी को नेगेटिव में आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई डिडेंट क्लोज द डोर. यानी कि नो हम लोग यूज़ करेंगे और क्या लगाएंगे हम लोग? डिड नोट. क्या लगाएंगे? डिड नोट. डिडेंट भी लगा सकते हो और डिड नोट भी लगा सकते हैं. ओके बेटा, सेकेंड है, डिड योर फादर वॉश हिज कार? तो पॉजिटिव में आप क्या बोलेंगे? येस ही वॉश्ड हिज कार. नो ही डिड नॉट वॉश हिज कार. ही हम लोगों ने क्यों लगाया? क्योंकि फादर हमारे क्या है? लड़का है ना. लड़के के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं. ओके बेटा, डिड मारिया टेडी हर रूम? येस मारिया टेडी हर रूम. नो मारिया डिड नॉट टेडी हर रूम. थर्ड है, डिड योर मदर प्रिपेयर द डिनर? मदर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं. येस शी प्रिपेयर्ड द डिनर. ठीक है, प्रिपेयर्ड यहाँ पे लिखा था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थर्ड. और हम लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस बना रहे हैं तो क्लोज है तो क्लोज्ड लगाएंगे, यानी कि हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो हम लोगों ने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की लगानी है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिपेयर द डिनर. नो शी डिड नॉट प्रिपेयर द डिनर. लेकिन जब हम लोग इसका नेगेटिव में आंसर करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो हम लोग कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट, ओपन योर वर्ब बुक पेज नंबर 44, मेंशन योर डेट डिप. आगे हम लोगों ने चेंज दिस सिंपल पास्ट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. हम लोगों ने अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है. ठीक है, यहाँ पे है ही वॉश्ड हिज कार ऑन संडे. अब आप लोग एक बात माइंड में रख लें कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लोगों ने करना है डिड नोट लगाना है. क्या लगाना है हम लोगों ने बेटा? डिड नोट लगाना है. और फॉर्म वर्ब की हम लोगों ने कौन सी फॉर्म? यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई है. और हम लोगों ने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. He did not wash. यहाँ पे washed है तो हम लोग क्या लगाएंगे? Washed. और did not हमेशा हम लोग verb से पहले लगाते हैं. ओके, He did not wash his car on Sunday. और जब हम लोग interrogative बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? Did जो है वो हम लोग कहाँ ले आएंगे? Start में ले आएंगे. Did he wash his car on Sunday? और लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है. ओके, रीदा फिनिश्ड हर होमवर्क. तो इसी तरह अब रीदा के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है. और फिनिश्ड की हम लोगों ने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हर होमवर्क. डिड रीदा फिनिश हर होमवर्क. और लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है. बाकी जो तीन सेंटेंस है वो आप लोगों ने खुद बनाने बेटा. बस सिंपल है कि आप लोगों ने सिर्फ डिड नॉट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई आप लोगों ने उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. अब आप लोगों ने ना वर्क बुक पेज नंबर 42, 43 और 44 आपने डन करना है. फिर मुझे आपने इसकी पिक्चर भेजनी है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.